और मोर देन इनका करोड़ों मतलब 1 करोड़ रुपया का बर्ड है इनके पास। दोस्तों आज मैं आपको एक बर्ड सेटअप दिखाने वाला हूं, जो कि अभी मैं इसी मंथ कोलकाता गया था। आपको मालूम है पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने एक बर्ड सेटअप विजिट किया जो कि दीपू भाई मुझे लेकर गए थे। कोलकाता के एक मोस्ट पॉपुलर बर्ड सेंचर हैं, जाने जाते हैं गब्बूदा के नाम से। और गब्बूदा का जो बर्ड सेटअप है कोलकाता के अंदर, कोलकाता में एक जगह है कस्बा एरिया में आता है वो, कस्बा एरिया में उनका एक घर है नीचे, और ऊपर उन्होंने बर्ड सेटअप बनाया है और गब्बूदा नाम है उनका। बजीज से लेकर मकाओ ब्लैक पम मकाओ, यानी कि उसकी जो कीमत है ब्लैक पम मकाओ की 10 लाख रुपए। बजीज से ले लीजिए आप और ब्लैक पम मकाओ तक 10 लाख रुपीज़ का जो मकाओ है वो उनके पास है। फ्रेंड्स ब्लैक पम मकाओ सिर्फ 2 ही लोगों के पास है इंडिया में। इंडिया में सिर्फ एक चेन्नई में है और एक गब्बूदा के पास कोलकाता में है। तो मैं आज आपको उनका सेटअप दिखाने जा रहा हूँ, जो कि इंडिया में सिर्फ 2 ही लोगों के पास वो पैरट है ब्लैक पम मकाओ, जिसकी कीमत है 10 लाख रुपये। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, और आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को हम 2 पार्ट में बना रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, लेकर चलता हूँ आपको उनके सेटअप की तरफ, और वीडियो को आप इन्जॉय कीजिए। तो एक एक बर्ड को आप अभी हम दिखाएंगे, और दीपू भाई हमारे साथ हैं, और दीपू भाई से बात करते हुए चलते हैं कौन कौन से बर्ड हैं। तो दीपू भाई इनके सेटअप के बारे में आप बताइए कि इन्होंने कैसे कितने बारे सारे बर्ड हैं और कैसे शुरुआत करी है, कैसे ये रखरखाव रखते हैं अपने बर्ड के लिए। बेसिकली जब मैं गब्बूदा से मिला तो इनके बारे में बहुत नाम सुना था, बट इनसे मिलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अपने सेटअप पे किसी को अलाउ नहीं करते हैं। बहुत रेयर जिनसे इनका बहुत अच्छा रिलेशन है उनको ही अपने सेटअप पे लाते हैं, और हो सकता है कि जब हम छोटे होंगे या बच्चे होंगे तब से ये बर्ड पाल रहे हैं। और ये कलकत्ता के वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द नामी पर्सन में से एक हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इनको कलकत्ता में नहीं जानता है। और मोर देन इनका करोड़ों मतलब 1 करोड़ रुपये का बर्ड है इनके पास। और ये एक्चुअली बेसिकली मेरा आने का मकसद इसलिए है क्योंकि वो कभी अपना पब्लिसिटी नहीं करते हैं, उनको लोग उनके नाम से जानते हैं, और वो अकेला ही कलकत्ता में एक बर्ड शो चला सकते हैं, इतना उनके पास बर्ड है। तो अभी अब सलमान भाई एक एक करके आपको दिखाएंगे कि उनके पास कितने बर्ड हैं, और उनके पास मतलब 10 रुपया से लेके 10 लाख तक का बर्ड है। तो आइए अपने देखते हैं सेटअप उनका कैसे कैसे है और कितने बर्ड हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर नीचे क्लिनिक भी है, गब्बूदा बर्ड का ट्रीटमेंट भी करते हैं, और कोई भी पेट्स हो कैट हो डॉग हो सबका ट्रीटमेंट होता है, और कुछ यहाँ पर दवाइयाँ भी रखी हैं। और एक बर्ड दिखाएंगे कि एक बर्ड जब बीमार था तो दीपू भाई की मेडिसिन से उसको सही किया गया था। तो देखिए यहाँ पर रखी हैं मेडिसिन, और देखिए यहाँ बर्ड बूस्टर और हर्बल, इन दोनों से ट्रीटमेंट किया गया था बर्ड का, और वो बर्ड भी आपको दिखाएंगे। हाँ अच्छा एक बात और, ये सिर्फ गब्बूदा ने शौक के लिए रखे हैं बर्ड, और एक बर्ड भी ये सेल नहीं करते हैं, और एक नया सेटअप तैयार हो रहा है, जब वहाँ पर ब्रीड होगी तब बाद में इन फ्यूचर में सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दीपू भाई एक एक बर्ड हम दिखाते हैं। हाँ ये इक्लेक्टस है, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ दोस्त आपको, यही बर्ड था जब एक टाइम गब्बूदा ने मेरे को अराउंड इवनिंग के टाइम में फ़ोन किया, और गब्बूदा बोले कि मेरा एक बर्ड है जो कि काफ़ी एकदम सुस्त बैठा है, और ये अराउंड 70% to 80% बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। तो ये हमारा गब्बूदा को मैंने एडवाइस किया, और गब्बूदा को मैंने बोला कि हमारा बूस्टर और हर्बल चलाइए। और दूसरे दिन गब्बूदा जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि वो सेटअप के ऊपर नहीं आ रहे थे डर से कि शायद उनका इक्लिक्टस अब नहीं हो, बट उनका जो एक स्टाफ है जो पूरा रख रखाव करता है देखभाल करता है, तो वो उनको जाके बोलता है कि दादा एटा खुशीर व्यापार आचे, तो बोला कि बोले कि गब्बूदा पूछे कि हाँ क्या बात है, तो वो बोले कि बट हमारे भालो आचे छोला मैंने चना खा रहा,
तो गब्बू दा ने फिर मुझे फ़ोन किया और बोला कि तुम आओ, और आने के बाद गब्बू दा ने मुझे काफ़ी नाश्ता वगैरह और चाय वगैरह भी पिलाया और बहुत खुश हुए। और आइए अभी अपना इनका पूरा सेटअप देखते हैं, कितने बर्ड हैं इनके पास। चलिए, एक लाख टैक्स तो हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। ये देखिए कैनल बिन टोकन, और ये मेल है और नीचे फीमेल है। तो ये देखिए वाइट हेड पाइनस है, ये पाइनएपल कॉनूर है, और ऊपर क्या है, ऊपर शायद दिख नहीं रहा, तो मोंग पैराकीट है ये वाला ब्लू। हाँ, ये मोंग पैराकीट है। और नीचे देखते हैं, ये बुखारा, बुखारा, ये पीजन स्पेसीज है बुखारा। ये देखिए ज़बरदस्त अमेजोन, ये ऑरेंज विंग अमेजोन है, ये वाला सेनेगल पैरट है, ये आप देख सकते हैं, ये पैटाकोनियन कनूर, और साइज देखिए इसका, और ये म्यूटेशन बिल्कुल अलग है, ऊपर सारे सनकनूर हैं। ये नीचे आइए, ये है ब्लू हेडेड पाइनस। ये जार्डिन पैरट है, रेड वैलेट पैरट, ये कनूर है, रेड वैलेट कनूर। ये देखिए एक एक नई चीज आपको दिखाई देगी जो कि आपने नहीं देखी होगी। ये एक लिप्टस है, चलिए आगे चलते हैं। ये लॉरी है, लॉरी, ये दोनों लॉरी है, और ये आप देखिए ये सारे पिजन्स हैं। येलो कॉलर मकाओ, एक गोल्डन फिशेंट। अच्छा ये देखिए, ये संकनूर, और यहाँ ब्रीडिंग बॉक्स लगा है, यहाँ ब्रीड भी होती है, और ये सिट्रॉन कोकाटू है, सिट्रॉन कोकाटू, उन्होंने पूरा अपनी छत पर बनाया हुआ है, और ज़बरदस्त। और ये देखिए मकाओ, दो मकाओ हैं इनके पास अभी, और ये हैंटेम है। तो चलते हैं अभी नीचे, और नीचे भी और है।